यहाँ पर एक से सात सांसद है यहाँ पर, कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई तो नहीं गिरा बच्चा। नीड टू बी केयरफुल, मैंने फाइट लेके दिन कोई ना कोई तो होगा। और मेरी बेटी ये एक्स का आदित्य, ये अपने रचूक है, ये गलती नहीं करता, इंस्टेंटली शेफ को नॉक करा है। कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा बट ये रुझान खेल परेशानियां दिक्कतें खड़ी कर सकती किसी भी टीम के लिए जो होगी ऑफ गार्ड। दूसरी तरफ पुकार ने भी फाइट ले लिया, उस माके को डाउन किया है, मतलब बीबी के खिलाड़ी अब शायद इससे ज्यादा कुछ आगे कर नहीं सके। आदित्य उन्होंने तो बग्गी को अपना साथी बना लिया है, बग्गी से हर बार फिनिशेस निकालते नजर आ रहे हैं। सारंग सैफ को भी पिक करना चाहेंगे, स्काउट भी साथ के साथ आ चुके हैं। दिस इज अ गुड स्टार्ट फॉर नाउ बट इसके और कितना आगे टीम जा सकती है वो देखने वाली बात जरूर होने वाली है। एचडी के किंग जो नॉक हुए थे उनको पिक करते हुए वीरू नजर आएंगे। 15 टीमें 48 लोग जीवित। सारंग को थोड़ा सा तो हील करना चाहेंगे या फिर वो बूस्टेड पार को करेंगे कि वो सब कुछ सही से कर सके। बट जैसे हमने सर्कल की बात करी थी अपने कि इस सर्कल के अराउंड खेलना काफी ज्यादा चुनौती भरा हो जाता है एंड आई एम ग्लैड कि सर्कल देखने को मिल रहा है मुझे। ये अभी सर्कल से थोड़े दूर है बट थोड़ा सा गाड़ी चलाने में परेशानी हुई है यहाँ पे। मन्या और स्काउट के दोनों के अपने स्पेसिफिक मोमेंट्स आ चुके हैं बट ब्लाइंड स्टिल ऑन द पोजीशन, दे जस्ट वेटिंग। उनको पता है कि भी हाई ग्राउंड से बहुत कुछ एडवांटेज वो खींच सकते हैं, पोजीशन तो नहीं एटलीस्ट फिनिशेस तो अपनी झोली में जरूर डाल लेंगे। टीएक्स के पास 3 फिनिश है, 2 आदित्य की और दोनों फ्रैग जो आदित्य ने निकाले कंप्लीट करे अपने बगी के साथ। ओआर और टीएक्स और ब्लाइंड, अब ये एक ट्रायंगल है और उनके जस्ट पीछे गॉड्स। इट इज गोइंग टू बी क्रेजी फन, बहुत मजा आने वाला है। और सदर्न रीजन का तो एक अलग ही कहानी है, वहां पे तो ढेर सारी टीम ऑलरेडी ताक लगाकर बैठी है। एक अच्छा स्प्लिट देखने को मिल रहा है, मेडल का टॉप डॉग और पैराडॉक्स एक तरफ, ऑनकोर और कोया एक तरफ और उनके जस्ट बीच में है साम्राज गमला और एक मिनट ट्रॉय को ऑलरेडी वो पहुंच चुके हैं। ब्लाइंड ने शिकार किया था, थोड़ा पैसे खेलेंगे धीरे धीरे। हैदराबाद के जो प्लेयर अकेले बचे हैं वो भी अब सर्कल के अंदर एंट्री ले लेंगे। गाड़ी को डैमेज देने की कोशिश वो जरूर रही थी एडमिनों के द्वारा। ऐसी टीम के अगेंस्ट फाइट लेना, आई मीन मैं ओआर को कम नहीं आंक रहा हूं बट मुझे पता है कि गॉडविन की जो टीम है उन वो तो चाहते हैं कि कोई ना कोई उनके ऊपर आए, उन्हें तंग करे। और ओआर चाहते ना चाहते दो भयंकर नामों के बीच में एक तरफ ब्लाइंड के प्लेयर्स नजर आ रहे थे जो कि पोटेटो हिल को अभी भी होल्ड करके बैठे हैं और बिल्कुल सामने उनके गॉड्स और एक लेफ्ट साइड पर टीम एक्स पार्क। सो 3 टीम है। ब्लाइंड मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा भी नॉर्दर्न साइड जाएगी, वो होल्टेल सर्कल वो तेरी की। ये क्या कर दिया सर्कल ने, और मैं चाहूंगा अपनी प्रोडक्शन से दरख्वास्त करना कि एक बार सर्कल दिखा दीजिए बिकॉज ये सर्कल बहुत पीड़ा देने वाला है यहाँ पर हमारे प्लेयर्स को। बिकॉज जो हार्ड शिफ्ट आया है लोगों के कटकों से जमीन छीन ली है। ब्लाइंड के बाबू वेरी कॉन्फिडेंट बट जैसे ही पटेड व्हील छोड़ी ब्लाइंड ने वहीं पर जेली ने अपनी गाड़ी लगा दी है। नाउ दे आर गोइंग फॉर द सेम अप्रोच। अब होने वाला है फिनिश फील्ड में अंधी रेस, जो प्लेयर्स गिरेंगे जैसे फिक्सेस बोलते हैं ना, मौत का नंगा नाच अब हमें देखने को मिलेगा। हंगामा होने वाला है, हंगामा। अगले 70 सेकंड के अंदर टीम्स को मूव करना शुरू करना पड़ेगा, जगह ढूंढनी शुरू करनी पड़ेगी, रोटेशंस डालनी पड़ेंगी, नहीं तो उनके लिए एक तरीके से फुल स्टॉप लगना शुरू हो जाएगा। प्लेयर्स जा रहे हैं। ब्लाइंड ने तो एच टू एच खेलना शुरू किया, पहले थोड़ा सा सेंटर लाइंस में थे जब तक सर्कल पोटेटो हिल पे था, उसके बाद थोड़ा सा साइड लाइन से होते हुए अब एच टू एच मूवमेंट अपने लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखना यह है कि कितना ज्यादा दिक्कत बना सकते हैं अपने लिए। Nakul is just on to the other side. Ninja, oh, this is a fight maybe. Sarang को पिक किया है गॉडविन के निंजा ने। टीम एक्स पार्क को झटका लगा जरूर है, वहीं पे गॉडविन के निंजा आदित्य को भी डाउन कर चुके हैं। ये दूसरा फ्रैग बन सकता है आदित्य ऐसे खिलाड़ी को डाउन करना, लेकिन पुकार ने प्लेयर 7 को इनफैक्ट डाउन किया जरूर। अब देखने वाली बात ये क्या है, क्या हो सकता है। कॉनक्स भी फाइट लेने की कोशिश करे जिन्होंने स्काउट को डाउन किया, मतलब पुकार आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। उस तरफ टीपीएस का इस्तेमाल करके प्लेयर को फिनिश किया जरूर जाएगा और फिर वेपन को सॉफ्ट करने की कोशिश होगी। जी नहीं, अपने टीममेट को बचाना भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक टीममेट को ये खो चुके हैं और गॉडविन ऐसा और तो नहीं होने देना चाहेंगे, मतलब पुकार को जाने दिया जाएगा लेकिन इन्होंने 3 खिलाड़ियों को अपना शिकार बना लिया। अब प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी एक्सिट ले चुकी है बट किस कीमत पे, उनको 2 फिनिशेस मिले बट एक प्लेयर भी गवाया। रॉकेट बट जल्दी मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए बट टीम एक्स पार्क दे लॉस्ट 2 प्लेयर्स, गुड प्लेयर्स। और एक्नॉक्स ने 3 प्लेयर एक्स पार्क के लिबरेट हो चुके हैं और आपको पता ही है बिकॉज जिस तरफ से वो सर्कल के अंदर एंटर कर रहे थे वो आसान नहीं था, वहां पे बहुत बड़े नाम ताक लगा के बैठे हैं। देखो पुकार स्पॉटेड वाटर टाइगर्स लग उस कारण पे 3x लगा रखा है, बर्स्ट टिकाए बट वहीं पे आईजीएल बिग ब्रदर्स के ऋषि को नॉक कर चुके हैं और सोमराज का तो यहां पर गेम ही खत्म कर दिया डब्ल्यूएसबी के आरओ ने। टीआईटीएल थोड़ा पीछे होकर के मूव करना चाहते हैं अराउंड द जोन। आई बिलीव ये थोड़ा सा स्काउटिंग का रोल अभी अदा करने वाले हैं, अराउंड द जोन एरियाज देखेंगे। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत तो डेफिनेटली बोलेंगे फाइट ले, लेकिन इसमें नुकसान इन्हीं को सबसे ज्यादा हुआ है। गाड़ी में बैठेंगे तो बिल्कुल सामने से स्पॉट किए जा सकते हैं, अपनी पगी गंवाने वाले हैं, अपनी जान निशान गंवाने वाले हैं। दूसरी तरफ गिल्टी के प्लेयर्स एक तरफ और दूसरी तरफ से वो मुश्किलें देने की कोशिश अपने प्रतिद्वंदियों को कर रहे हैं। गॉड रेन रॉबिन लॉक फिनिश करते नजर आएंगे। मौका तक नहीं दिया, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया इस पूरी सिचुएशन के अंदर अगर बात करी जाए। हालांकि आप इनसेन के प्लेयर्स को देखिए क्या सिचुएशन बन सकती है उनकी। चारों के चारों खिलाड़ी जेबस, वहीं पे WSB प्लेयर वन डाउन जरूर हुए हैं। टॉप का कभी भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अगर सही तरीके से किया जा सके तो फिर मुश्किल हो सकती है इस सिचुएशन में, अगर सिनेरियो सही नहीं रहा तो। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से फाइट्स ले पाते हैं। WSB के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें रही हैं, एलिमिनेशन का देखने को मिलता हुआ। 10 में बची है हमारे सामने, एक और टीम बाहर जाती नजर आएगी। के पास सर्कल अच्छा खासा था, लेकिन यहाँ पर कोई टीम एक्सपर्ट कभी एक्सिट देखने को मिल जरूर जाएगा, क्योंकि आखिरी खिलाड़ी जो बचे थे उनको बाहर किया जाएगा। हालांकि 4 फिनिशेस आए हैं, मतलब शुरुआत बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, उसके बाद दिक्कतें हुई हैं। इनफैक्ट थोड़े प्लेयर्स जा सकते हैं, टीम मॉडल खुद को सेफ रखने की कोशिश के अंदर है, बहुत हील अप करना चाहेंगे। उसके बाद देखना पड़ेगा क्या किया जा सकता है। ब्लाइंड के प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर। हालांकि दिक्कतों के बाद एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हुए ग्लैडिएटर्स ऑफ ब्लाइंडनेस पावर सर्वाइव करते हुए बिल्कुल सामने खिलाड़ी को स्पॉट करेंगे। लुक एट दैट एम, लुक एट दोस रिफ्लेक्सेस, लुक एट द डिसीजंस। ब्लाइंड इज स्टिल सर्वाइविंग विद ऑल द फोर प्लेयर्स एंड ग्लैडिएटर्स, दे आर फ्लोर्ड डाउन। क्रेट्स बनी है ग्लैडिएटर्स की और उनको बनाने में सबसे बड़ा हाथ ब्लाइंड का। स्टार्ट देखिए एक बार, ऑप्शन जोकर 3, नकल 3, एस पावर 1 और मन्या अपने इन रिसोर्सेज को बड़े प्यारे तरीके से यूज करते हुए, और सर्कल 1 और बड़ा ही हार्डशिप। ये पहला गेम है आज का, और पहले गेम में जोन ने बता दिया कि आज कोई रहम नहीं मिलने वाली, सबको अपने टोस्ट पे रहे, फुल अलर्ट पे रहे। बट ये फाइट के अंदर ट्रू रिपर्स वर्सेस इनसेन खेल लिया है और फाइट चालू हो चुकी है। ट्रू रिपर्स ने इनसेन के आदि को नॉक करा, बट रिटालिएशन के अंदर स्किप्स भी चुप नहीं रहेंगे। अपने आईचल को अगर नॉक करवाया है तो ट्रेड करना जरूरी है। आईचल का एक बड़ा बोल्ड मूव, बट अब डीटेल पे गेम चालू होने वाला है। डैमेज काफी ज्यादा दे दिया है, बट क्या होगा। बट ब्लाइंड एक टिक करके पे यहां पे गवा रहे दूर दरार, कहीं दूर से एक 416 आती है ग्लेशियर वाली और चीजें खराब करके। मुझे देखने की ब्लाइंड प्लेस अभी भी टिके हुए, क्या उनके प्लेस नॉक हुए थे? ब्लाइंड को कंप्लीट, मान्या को कंप्लीट किया है। टीडब्ल्यूओबी थी उस पूरी फाइट का हिस्सा बनी हुई, और टीडब्ल्यूओबी का सर्कल है, ये सबसे बड़ी बात है। और जाको नक्शा ग्रेनेड जाएगा, इनसेन के आदि को पिक किया जाएगा। वेलोसिटी, वेल उनकी वेलोसिटी पे ब्रेक्स लग चुकी है। इनसेन डार्क नॉक खुद को यहीं पर रोकना चाहेंगे, लेकिन एक्वानॉक्स को एक और बार यहां पर नॉक जरूर किया जाएगा। रॉबिन कोशिश करेंगे अपने टीममेट को बचाने की, लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल 50 सेकंड में सर्कल की तरफ को मूव करेगा तो कौन। अब फाइट इतनी अच्छी ली इनसेन ने कि अपने पर्पसेस पे लिया, उस बूम्स थे, कोई और एंटर नहीं कर पाया। आते 2 बार नॉक हुए पिछले 2 मिनट के अंदर, बट अभी भी वो गेम के अंदर बरकरार टिके हुए। हील करके फिर से तैयार होंगे और 7 टीमें 20 प्लेयर, और इस टाइम पे जिसके पास मैन एडवांटेज होगी जीतने के चांसेस उनके भी होंगे। बट एक प्रॉब्लम है, ब्लाइंड बची है और इस टीम ने ऑलरेडी 7 फिनिशेस निकाले, और जब तक ये टीम सर्वर के अंदर जिंदा है कोई भी सेफ नहीं है। 88 फिनिशेस आई बिलीव इस टीम के थे, 95 फिनिशेस ये टीम कर चुकी है। 5वें दिन की शुरुआत में 95 फिनिशेस रख चुकी है ब्लाइंड अपने पास। हालांकि और आगे की बात देखनी पड़ेगी, गॉड को भी हम कम नहीं आंक सकते। इन दोनों टीमों का कंपैरिजन हम लोग कर रहे थे, बात कर रहे थे कि इन दोनों टीमों को देखना पड़ेगा क्या करते हैं कैसे नहीं। गॉड के पास 2 खिलाड़ी हैं, इनसेन को और आगे जाना है सर्कल के लिए, निकलेंगे तो दिक्कतें होंगी। बट रॉबिन नॉक किया, साथ के साथ अब बस फिनिश क्योर करने की बारी है। अब टीम में जब एक्वानॉक्स है ना, आइजल पूछ करने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने स्पॉट करके बता दिया। एक्वानॉक्स बात की जो डीलिंग है वो हैंडल कर लेंगे, बट गॉड्स राइट नाउ देयर ब्लू जोन, दे आर टैंकिंग इट, और ब्लू जोन का डैमेज इस पर बढ़ चुका है। रॉबिन होल्ड कर रहे, शायद से ज्यादा फर्स्ट लेके बैठे, बट फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर इनसेन they trying to do something insane, but insane they're rushing towards blind. इस पावर को कम नहीं आंकना पड़ेगा, अब इनसेन कर रहा है। इनसेन My bomb, yes, power. Are you kidding me? Are you kidding me, Espoir? Are you freaking kidding me? ऐसा लगा इनसेन को कि वो ग्रेनेड को करे, बट एस्पार ने उसी सब चीजों को फुल स्टॉप बना करके रख दिया। 11 फिनिशेस मतलब 99 टोटल फिनिशेस ब्लाइंड लेकर के बैठ चुकी है। 3 खिलाड़ी हैं, वो शतक कौन लगाएगा, वो पार वो फिनिश कौन उठाएगा, वो देखने वाली बात है। जोकर, नकुल, एस्पार और तीनों के तीनों हैं टीडब्ल्यूबी के मिस्टर आईजीएल बचे हैं, ओआर के मैक्स है, एडमिनो है, कोच इनका एलिमिनेशन हो जरूर चुका है लेकिन एक तरफ मेडल भी अभी भी जीवित है। शर्मा जी, मैंने आज से पहले कभी भी जो फॉर्म एस्पावर की चल रही है ना इस वक्त, हर गेम के अंदर दिस गाय इज ब्लोइंग आवर माइंड। ये क्या ग्रेनेड मारा। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि भाई 20 प्लेयर बचे हैं, 2 टीमों के पास 4-4 प्लेयर बचे हैं, इनके पास एडवांटेज होगी, बट ब्लाइंड का जिंदा रहना इनके परेशानी होगी। पूरी टीम को सब वो चक्कर कर दिया। इस प्लेयर ने धमाका मचा रखा है। अब हमारे पास 10 प्लेयर है, गोया का मोलोटॉव टीडब्ल्यूओबी के फॉक्स को चला देगा, बट पोजीशन देखिए, ब्लाइंड को सर्कल के अंदर जगह लेनी, बट ओआर अभी भी चुपचाप बैठे और तीनों प्लेयरों ने काफी इंडिविजुअल के हिसाब से खेलने की तैयारी कर रहे हैं। वो एडमिन को स्पॉट करा। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चीजें बदल देंगी। यहाँ पे अगर ग्रेनेड ने ब्लाइंड का एक आधा पैर खा गए तो बात बदलेगी, बट ब्लाइंड को आपने अपनी पोजीशन दे दी तो इनका जबर चल ही रहा है। Exactly, ब्लाइंड को अपने पोजीशन दिया, ब्लाइंड को अपने बताया है एडमिनो की यहाँ से गोलियां चलाना। आप सेंटर में थे जोन के, आप हर तरफ से कवर में थे जोन के, उसमें बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं। ये जो स्मोक्स किए गए हैं इसके अराउंड प्लेयर्स मूव कर सकते हैं। लुक एट द स्मोक्स, नो स्मोक्स एटलीस्ट बिल्कुल सामने। ब्लाइंड ने अपने सामने की अपनी विजन ब्लॉक करने के लिए दे आर यूजिंग द व्हीकल्स। उनको अगली बार सीधा एडमिनो के ऊपर आना पड़ेगा और बिल्कुल बीच में आने की कोशिश है। एक राइट डाउन हुए, नकुल के ऊपर पूरा भार आ सकता है इस पूरी सिचुएशन में। इस बार को नॉक किया गया, फिनिश करने की कोशिश होगी, जोकर बिल्कुल सामने, एक ग्रेनेड करने की दरकार रहेगी। मैक्स को डाउन किया है, वहीं पे दिक्कतें रहेगी। नकुल इज लास्ट मैन सर्वाइविंग, कुछ भी करके नकुल को जीवित रहना पड़ेगा, नहीं तो 99 फिनिश इसके साथ रहेंगे। लेकिन बात यह है कि अभी भी इनका एग्रेशन रुकने नहीं वाला है। स्पार्क को फिनिश करने की पूरी कोशिश एडमिनो, ही इज यूजिंग दैट टीबीएस बट ही स्पॉट्स ऑन द प्लेयर्स। वो गाड़ी का कवर लेकर के रखना चाहते हैं खुद को सेफ, एक रिवाइवल की प्रक्रिया है, लेकिन ऐसे में अगर एक ग्रेनेड आए दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती है। चेरी इज जस्ट ट्राइंग टू डू एवरीथिंग इन दिस प्रोवेस, थोड़ा पीछे से रह करके खेलने की कोशिश, बट देयर इट इज वन ग्रेनेड फ्रॉम नकुल और मैक्स इज डाउन। नकुल अभी भी सर्वाइव कर रही यूएमपी का इस्तेमाल, डीबीएस के बिल्कुल सामने, डीबीएस की गोली लगी तो दिक्कत हो जाएगी और डीबीएस लग भी गई है। नकुल ने बहुत जल्दी हार मान लिया। अगर वो यूएमपी का इसमें एक आधा सेकंड और कंटिन्यू कर देना चीजें जरूर बदल सकती, बट ओआर ने एक प्लेयर तो खो दिया। यहाँ पर रिवाइवल का प्रोसेस चल रहा है, प्लेयर उठ सकते हैं, बट मेडल को 2 बड़े प्लेयरों को टीडब्ल्यूओबी का अकेला प्लेयर अपनी डीबीएस से धूल चटा चुका है। 3 टीमें 5 प्लेयर, ओआर के 3 प्लेयर बचे। अगर तरीके से ओआर जीत सकती है, रील करना चाहेंगे, 2 फर्स्ट एड। कब तक ये आईजीएल अपनी सांसें बरकरार दिखा सकता है, बट जेली मूविंग फॉरवर्ड, ही गॉट वन इंपॉर्टेंट नॉक। उन्होंने उस प्लेयर को बाहर निकाला है, उस टीम को बाहर निकाला है जो उनकी प्राइम कंटेंडर थी। एंड आई थिंक आज के दिन की शुरुआत में हम ओआर का सिक्का देखने वाले हैं और वो दिख भी चुका है। आखिरी फिनिश में सिक्योर कर लिया गया है काफी बेहतरीन तरीके से, और एक बहुत ज्यादा बेहतरीन 6 फिनिशेस का विनर टिकट अपने नाम करती हुई नजर आएगी। सर्कल पोजीशनिंग बहुत सही थी, उसके साथ साथ गेम प्ले काफी बेहतरीन बनाया और अंत में अपनी टीम के लिए एक बढ़िया विनर टिकट सिक्योर किया इन लड़कों ने।